गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आज देखो दोस्तों, आज मेरी मेड नहीं आई है, तो मेरे को आज घर में बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे धोबी घाट फैलाना है और आपको लेके चलती हूँ। देखो मैं हैंडपम्प के पास में बहुत सारे कपड़े हैं और पानी भी जाने वाला है, तो इसलिए जल्दी उठ मैं अपना कपड़े धोने का काम जो है उसको ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर आपसे मिलती हूँ। और आप सब लोग कैसे हैं, आप लोगों का भी डेली दिनचर्या जो है वो सारे काम होते होंगे। ये मेरा जो है दोस्तों यहाँ पर बाहर की साइड में एक तरफ बनाया हुआ है कपड़े धोने के लिए, मशीन यहीं पर लगी हुई है, वॉशिंग मशीन, क्योंकि अंदर बाथरूम में नहीं धोते, खुला पानी आता है इधर टोंटी का, तो डायरेक्टली यहाँ पर पानी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर हमारे कम्युनिटी पार्क है और पार्क में एक टंकी है बड़ी, तो हम लोगों को डायरेक्टली सप्लाई होता है पानी, तीनों टाइम कोई पानी की दिक्कत नहीं है। और दोस्तों मैं चलती हूँ, आप भी अपना काम करिएगा और मैं भी अपना थोड़ा काम फिनिश कर लेती हूँ। वहाँ पर जहाँ को ये देखो, इतने कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये वॉशिंग मशीन में अंदर कुछ कपड़े हैं और इधर कुछ कपड़े ये धुए हुए हैं, पैकेट में पड़े हुए हैं, और ये इधर पानी जहाँ पर इन कपड़ों को भी धोना है मेरे को अभी। और यहाँ पर ये कपड़े श्रिंक हो चुके हैं जिनको मुझे सुखाना है। आप ये सोचते होंगे कि भाई एक प्रोफेशनली आदर्श यानी कि होते हुए क्षेत्र में और फिर भी उसके बाद में काम कर रही हूँ, तो दोस्तों अपना जो डेली का काम है हमेशा सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, मेड के ऊपर भी नहीं रहना चाहिए कि सारे काम अगर हम उसी के ऊपर छोड़ देंगे तो हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह का वर्क होता है। क्योंकि मेड भी आज हम अपने घर पे रख लें, लेकिन उन लोगों को इस चीज़ का बहुत बड़ा वो होता है कि जहाँ मालिक की नज़र चूकी और लपझप में काम किया फटाफट और वो कर दिया, जिससे कपड़े अगर हम लोग सही ढंग से क्लीन नहीं करेंगे, सही साफ़ पानी में से नहीं निकालेंगे, तो हमारे को फिर एलर्जी वगैरह दाने वगैरह बॉडी पे होने शुरू हो जाते हैं। वो यही रीज़न होता है कि डिटर्जेंट वगैरह जिसमें हम धोते हैं लिक्विड में या साबुन सॉफ सर्फ जो भी होता है, तो उसमें हम लोगों के लिए वो नुकसानदायक होता है, तो इसलिए हम लोगों को साफ़ पानी में से कपड़े निकालने चाहिए और उसके बाद में हम लोगों को कपड़ों को सही ढंग से रखेंगे तो हमारे भी कपड़े जो है एक केयर करते हैं उल्टा कि साफ़ में से निकलेंगे, तो नहीं तो अगर हम गंदे कपड़े हैं हमको लगता है कि मेड ने साफ़ कर दिया लेकिन वो कपड़े गंदे होते हैं, साफ़ पानी में से निकले हुए नहीं होते। और एक दिन की मैं बात बताती हूँ, मेरी मेड ना आई हुई थी और मैं अंदर थी अपने बेडरूम में, तो बाहर आराम से काम कर रही थी, मैंने आके देखा तो उसने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों दो बार पानी में से कपड़ा निकाला और पानी में बरकरार झाग बराबर थे। दोस्तों मैं सभी लोगों को इस चीज़ का सजेशन देती हूँ कि पानी में जब तक पानी में झाग रहेंगे तब तक ये सोचो कि आपके कपड़ों के अंदर क्लोथ्स के अंदर जो है झाग से साबुन बना रहेगा, और जब तक साफ़ नहीं होगा तब तक हम लोग उसको अगर मन में सोच लेते हैं कि हाँ संतुष्टि हो गई हमने धो दिया और झाग में से निकाल दिया कि वो ऐसी झाग बनते हैं, नहीं दोस्तों झाग तब तक बनते रहेंगे जब तक उसमें 1% भी साबुन का असर रहेगा, सर्फ का असर रहेगा। तो इसलिए साफ़ कपड़े और स्वच्छ कपड़े होने चाहिए और स्वच्छता का तो वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे मोदी जी नहीं, उन्होंने एक तरह से जो हमारा कोरोना टाइम ये चला है इसमें हर किसी को सिखा दिया, जबकि ये चीज़ें हमारे बुजुर्गों ने हमको पहले भी संस्कारों में दी हैं कि हम लोग बाहर से आते हैं, खेल के आते हैं, किसी भी काम की वजह से आते हैं, हम कितनी चीज़ों को बाहर जाके टच करते हैं, गाड़ी में ऑटो में हर जगह अगर हम सफ़र कर रहे हैं, या आप अपनी स्कूटी या अपने पर्सनल यानी वाहन से भी जा रहे हैं, तो आपको क्या पता है कि उस वाहन को किसी ने टच नहीं किया होगा, आप अंदर कहीं पर ऑफिस में गए होंगे या शॉपिंग करने, तो इसलिए आप आने के बाद में हाथ धोएं, खाने से पहले हाथ धोएं, स्वच्छता का आप ध्यान रखेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन आजकल कोई बीमारी का बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए आप लोग साफ कपड़े से रुकर। गुड मॉर्निंग गाइज, एक्चुअली मॉम बाहर कपड़े वॉश कर रही है एंड आई एम ट्राइंग टू कैच हर अप। मैं कैसी लग रही हूँ? एक्चुअली आज कपड़े वॉश करने का दिन है, सो
मेरी हालत भी ऐसी हो रही है कि मुझे अपना हेयर वॉश करना है, मुझे नहाई नहाई करनी है, मम्मा को भी नहाई नहाई करनी है, बट डॉगीज नहीं नहाएंगे एंड बहुत सारा काम है आज। आज साफ़ सफाई वाला दिन है एक्चुअली। हम लोगों ने डेज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। और मैं कैसी लग रही हूँ पहले बताओ, हाउ एम लुकिंग? नेचुरल ब्यूटी अच्छी होती है ना। सिर्फ अच्छे से मैंने पानी से मुंह वॉश किया है ताकि मैं इतनी बुरी भी ना लगूँ। बट आई लव माई सेल्फ, माई मॉम लव मी अ लॉट, सो मेरे को बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी बस एक चीज़ है, हम मॉम को जाके कैच करेंगे कि वो बाहर क्या करने लग रही है, क्योंकि वो क्या करती है ना, जल्दी 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 काम ख़त्म कर लेती है। हम उनको मतलब उनकी वीडियोज़ ही नहीं बना चीज़ के रिलेटेड। एंड अभी जैसे कोविड चल रहा है तो दिस इज़ द फोर्थ फेज गोइंग ऑन इन इंडिया, बिकॉज जब एयर मतलब एटमोसफेयर में मतलब एयर पास ऑन होती है तो इट विल टेक टाइम टू क्रॉस आर कंट्री। एंड अभी फीवर एंड डेंगू फीवर एंड कोल्ड फ्लू, लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। सो बेटर कि आप मतलब अपना अच्छे से ध्यान रखें, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा बना के पीजिए, नानी दादी वाले नुस्खे बेस्ट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ हैविंग मेडिसिन, बिकॉज होम्योपैथिक आई कैन से कि ठीक है आप यूज़ कर लीजिए, बट बिसाइड्स दैट डोंट डिपेंड ऑन मेडिसिन प्लीज़। एलोपैथी एंड ऑल ना प्लीज़ आप उनसे दूर ही रहिए, तो बहुत ज़रूरी है। चलिए हम मॉम को कैच करते हैं। मैं तो बहुत बातू नहीं हूँ, सारे दिन चैटर बॉक्स की तरह चैटर चैटर कर सकती हूँ। मैं कैमरे को डाउन कर रही हूँ ताकि व्हील कैच आ रहा अगेन। दिस इज द थर्ड टाइम मैं सेइंग कैच आ रहा, पकड़ ही लूँगा उनको बॉल की तरह। रुक जाओ, अरे क्या हो गया, वेट करो, आई विल बी बैक। ओके अब ये कैमरा मॉम के पास खुलेगा। हेलो मॉमी। पानी गया, और आप क्या कर रहे हो? इसमें पानी निकाल दो, और सारे ब्लैक ब्लैक कपड़े ना बाद में रह गए हैं तुम्हारे और बाबा के। हाँ हाँ, अपने कपड़े सारे वॉश कर लिए, मेरे और बाबा के हमेशा छूट जाते हैं। चलते हुए पानी में पानी निकलते हैं ना तो साफ रहते हैं। कोई बात नहीं, शाम को निकालेंगे तो बचे हुए। क्या बना रही है? मैं वीडियो ब्लॉग। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये कोई बनाने का है। हाँ तो ये कवर करना है ना, सबको दिखना चाहिए कि अगर बॉलीवुड में एक्ट्रेस काम कर सकती है तो घर पर आके देरी में आके भी काम कर सकती है ना, जरूरी है। हाँ, क्योंकि हमारी सर्वेंट तो आ नहीं रही, तो अब हमको पता चल रहा है कि वो कितना काम करती है अकेले, कपड़े, झाड़ू पोछा और क्लीनिंग और हमारा खाना। हमारे यहाँ एक ही सर्वेंट है एंड शी इज़ वेरी गुड फ्रॉम अ हार्ट। अभी चली गई है, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है बिकॉज शी इज़ लाइक मूडी, तो आई डोंट नो राइट नाउ शी इज़ नॉट इन अ मूड, और उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो शी इज़ टेकिंग रेस्ट। शी वेंट अपने मदर इन लॉ के घर गई है, क्योंकि उनकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसका वहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी था। सो मेरी मॉम और मैंने काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। डिस्ट्रीब्यूट ऐसे किया है, कपड़े, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग इज ऑन मॉम्स हेड, और किचन, डॉग्स, और बाहर का सब कुछ मेरे ऊपर है। वैसे देखा जाए तो दोनों का काम हेक्टिक है। ओके, इट्स लिटरली नॉट ईजी टू डू लाइक हाउस वर्क, और वो भी डेली बेसिस पे, बिकॉज मॉम और मेरे को फीवर भी है, बट स्टिल वी आर वर्किंग, क्योंकि कोई करने वाला नहीं है। एंड आई ओ सिक्स पेट्स, आई ओ देम बिकॉज दे आर माई किडोज, सो एज एन पेरेंट्स मतलब मैं कह सकती हूँ कि वो मेरा हक है। तो मेरे पास 6 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एंड एक की तो शक्ल मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये रही, ही स्लीपिंग, हिज नेम इज बिगी, प्यार से हम इसको मोती बोलते हैं, एंड ये सब रेस्क्यूड है। सो पानी पहले भर लिया था। वाह मम्मा वाह, एक्चुअली ये ड्रम बहुत साथ देता है हमारा, बिकॉज जब से कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है एंड वुडन वर्क रुका हुआ है, तो वाटर सप्लाई एक्चुअली बाहर हमारा टैंक का कोई सप्लाई नहीं है। सो दिस इज़ द ड्रम विच वी आर यूजिंग, सो हर दूसरे तीसरे दिन यूज़ हम करते हैं एक्चुअली। एंड अभी कपड़े रह गए थोड़े से, तो पानी हमको उसमें से यूज़ करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ यूपी गाइस, उत्तर प्रदेश, जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड आई थिंक आई डोंट नो, मॉम की रिंग निकल गई, सॉरी मैं बीच में। मैं गाइज सी यू, अब मेरे को मार्केट जाना है क्योंकि मेरा मार्केट टाइम हो रहा है एंड बहुत ज़रूरी सामान लेके आना है, फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। अभी थोड़ा मौसम फिर भी सही है और यहाँ ठंड होने लगी है एक्चुअली। इट्स नवंबर नाउ एंड आई एम हैप्पी विंटर स्टिल।
एंड मॉम फटाफट कपड़े वॉश करके ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगी एंड शी विल लेट यू नो दैट किस तरीके से हम लोग मतलब रेस्ट ऑफ द डे निकालते हैं अपना. चलिए बाय फ्रॉम माई साइड. साई वारा सबक है गाइस. चेक करो अब कैमरा मेरे हाथ में है और मम्मा ने ड्रायर में से कपड़े निकाले बिकॉज हम कोई जॉब पर नहीं है. वी ओन आर बिजनेस सो वी ओ बिजनेस बेसिकली. तो हम बेसिकली एक डे बनाया हुआ है तो आज कपड़े वॉश करने का दिन है एंड सी आवर मॉम इज़ वर्किंग. बॉलीवुड में काम करना एक अलग चीज़ है लेकिन घर मर्रा की जो देरी मर्रा जो होती है तो अभी हमारी सर्वेंट जो है शी इज़ नॉट डूइंग वेल और उसकी जो मदर इन लॉ है वो भी ठीक नहीं है. तो हम सबको काम करना सिखा दिया है घर का. एक्चुअली वो नहीं होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कितना ज़्यादा मतलब कमी महसूस होती है और वो लोग कितना हेक्टिक शेड्यूल मतलब उनका रहता है. हमको सारी चीज़ें मतलब एक तरह से करी कराई मिलती हैं. बट माई मॉम शी ऑलवेज डू वर्क. हम लोग मिलजुल के काम करते हैं. मॉम के ऊपर क्लीनिंग का और कपड़ों का जिम्मेदारी है एंड मेरे ऊपर किचन का, मेरे डॉग्स का, बाहर का, मार्केट का, जो भी काम होता है इट्स ऑन माई हेड. सो वी डिस्ट्रीब्यूटेड आर वर्क बिकॉज मॉम की हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रहती है तो उनको थोड़ा मम्मा आपने टी शर्ट वहाँ पे ऊपर मतलब वो करी थी और वो आपके साथ साथ आ गई है पीछे. बोल रही मैं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के. अभी हम लोगों को ठीक तरीके से व्लॉग्स बनाने आते नहीं है बट होप आप लोगों को पसंद आएंगे. एंड मेरे को भी अब काम के लिए जाना है बिकॉज अभी मेरा मार्केट टाइम है तो आई एम गोइंग टू मार्केट एंड आप मॉम के साथ इन्जॉय करें और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे. और बस होप आप लोगों को पसंद आनी चाहिए एंड सी बहुत ज़्यादा मॉम वीक हो गई हैं पहले से बट स्टिल शी इज़ वर्किंग बिकॉज आपका विल पावर अगर अच्छा है तो यू कैन डू एनीथिंग. एंड ये देखो हमारा छोटू बाबा. अभी घर में थोड़ा वुडन वर्क रुका हुआ है एंड कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है सो थोड़ा हॉच पॉच हो रखा है सामान तो उसके लिए सॉरी. बट दिस इज़ द वे वी लिव इन इंडिया राइट विद फैमिली विद पेरेंट्स विद सिबलिंग्स. एंड ये मेरे सिबलिंग्स हैं एंड दिस इज़ द हाउ कैन आई से ये मेरा लास्ट रेस्क्यू डॉग है और एक लैला है छोटू सी. हम उसकी वीडियोज़ ऑलरेडी अपडेट करते रहते हैं कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है उसके रिलेटेड. हाय बिगी नीनू खुल गई बिगी की तो आज ये शांत है बिकॉज मॉम बाहर है उसके पास. अदरवाइज ये बहुत चिल्लाता है. ही इज़ हैविंग सेपरेशन एनजाइटी तो अभी थोड़ा हम कोऑपरेट कर रहे हैं. ये भी कोऑपरेट कर रहे हैं. कभी कभी गुस्सा दिलाता है बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत शोर मचाता है. ये रही मेरी मॉम. शी इज़ ट्राइंग टू वर्कआउट. अभी हम लोग जैसे तैसे करके एडजस्ट कर रहे हैं. एक बार काम हो जाएगा सारा देन आई थिंक हम लोग सारा मतलब अच्छे से क्लियर अप हो जाएगा. एंड ये हॉच पॉच जो रखी है घर में सामान की हमारी वॉशिंग मशीन की अब क्या हमें बाहर कपड़े वॉश करने पड़ रहे हैं सो इट विल ऑल एडजस्ट एट परफेक्ट प्लेसेस. चले माँ मैं बंद कर रही हूँ व्लॉग. अभी आप दोबारा स्टार्ट कर लेना ठीक है. अब पानी भी गया और मेरा काम भी फिनिश हुआ. लास्ट यानी कि बेडशीट रही है ये भी धो जाएगी शाम को पानी आएगा. और अब ये करते हैं हम बंद मशीन को. और ये देखो दोस्तों आज का धोबी घाट से कम नज़ारा नहीं है मेरे घर का गार्डन का कि ये देखो कितने कपड़े धोए हैं. बाप रे बाप. इधर से दिखाती हूँ मैं आपको. ये देखो पूरा धोबी घाट फैला हुआ है. सभी को काम करना चाहिए बिना एक्सरसाइज के भी एक्सरसाइज होती रहती है. और ये देखो कितना सारा यानी कि काम है. अब मैं थोड़ा सा जाके देखती हूँ अंदर के नज़ारे मेरी लैला ने क्या शैतानियाँ कर रही है कितना काम बिगाड़ा है क्या कुछ उसको जाके देखती हूँ. लैला लैला किधर है लैला भाई किधर है किधर. अरे
तुम्हें छोड़ा तो बेड पे था और तुम यहां से जंप मार के, बाप रे बाप, दिखाना फेस, दिखाओ फेस, फेस दिखाओ, क्या करा ये, क्या खा के आई है? अरे ये तो लीफ लगी हुई है गेंदे की, उसकी फूल की, देखो कितना इसने सड़ा रखा है, काम बढ़ा के रखती है लैला, मंदिर में करके आई होगी ना बदमाशी। ये देखो ये है बहुत शैतान लड़की मेरी लैला, ये देखो अब हाथ नहीं आ रही है नीचे जंप मारने के, नीचे नहीं जाना, आप बेड पे रहो थोड़ी देर, कर दूंगी मैं तुम्हारी पिटाई, अब शैतानी कर रही है ना मामा के, क्या किया है, क्या किया है तुमने, मारू 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 लाफा, बदतमीज हो गई है, बहुत शैतान हो गई है भाइयों, ये ना बिल्कुल भी नहीं हो करती और काम बढ़ा के रखती है, ये अब बच्ची नहीं रही है, ये बहुत ज्यादा लैला बदमाशी करने लगी है, ये देखो ये देखो ये देखो इसकी शरारतें, इसके पूरे मुंह पे गेंदे के फूल हैं, और ये नींद नहीं भी आ रही है लेकिन बदमाशी करे बिना बाज नहीं आती। ये देखो दीदी कहाँ है, दीदी लैला की दीदी कहाँ है, दीदी मार्केट से अभी लौटी नहीं है और आएगी तो लैला को चीज लेके आएगी, लैला देखो कौन आया है, लैला चलो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और लैला की शैतानियाँ आपको देखनी है तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स लिख के मुझे बताइएगा ताकि मैं इसकी दूसरी वीडियो बनाऊँ। अब ये पूरी बदमाशी पे उतरी है, लैला लैला लो देखने के मूड में नहीं है, ये पूरी हराम हो गई है लैला, इसने देखो ये प्लांट काट के ना पूरा कैसे कर दिया है, इसकी लीफ सिर्फ दो तीन बची हैं बेचारे, इस प्लांट की क्या दोस्त था जो इसने काट काट के काट काट के खेल में मैंने कपड़े धोए और इसने इधर काम बिगाड़ा है, अब इसमें दूसरा प्लांट लगाना पड़ेगा, ये देखो मुआयना कर रही है ये, उधर तेरे को माउस काट का आएगा देख लेना, लैला मोमो बेटा मेरा बाबू, चलो दोस्तों बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज, सपोर्ट मी एज ए फ्रेंड, लो बाय कर लो नैना, देखो दोस्तों अब लैला की दीदी आ गई है, तो देखो इसने आवाज सुन ली और कितनी शैतानी कर रही है, अब ये खाने के लिए यहीं से मांगेगी, इसने पूरा देखो उसमें मंदिर में जाके क्या कर रखा है, पूरा फेस इसका गेंदे के फूल में है, ये ऐसे शैतानी करती है दोस्तों, अब इसकी आई, दीदी आई है, मोतीचूर के लड्डू आए, समोसे आए, हां लो अली बाबा अली बाबा अली बाबा अली बाबा, ये का हो गया, ये का हो गया, ये का हो गया, देखो ये ऐसे खेलती है, ये किसी बच्चे से कम नहीं है भाई, हमारे घर में हमारा दिल लगा रहता है, मामू 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 मामू, ये क्या कर लिया आपने अपने फेस का, आगे तो दिख नहीं रही मेरी बंदर की, लैला की दीदी बाहर से मार्केट का काम करके आ गई और इधर कपड़े फिनिश हो गए, सारा काम घर में भी खत्म, सिर्फ अब लैला को पहले ब्रेकफास्ट कराते हैं, और अब ब्रेकफास्ट करते हैं, आप लोग भी करिएगा, इसके लिए लड्डू आया, लड्डू के लिए लड्डू आया, गेंदे के फूल खा गई, बाय करा दो इससे, अब हम इसको बंद करने जा रहे हैं, और बाय नहीं होली, कोई बाय नहीं होली, हम तो जा रहे खाने, हम तो ब्रेकफास्ट करने जा रहे, और ये देखो निंजी भी आ गई, निंजी निंजी ये खा लेगी लड्डू, ये रेस्क्यू की निंजी का लड्डू, मम्मा तो गुस्सा कर रही है, इसका प्यार बढ़ गया दोस्तों, मम्मा देखो गुस्सा, अरे पापा मम्मा गुस्सा, लैला डांट दे, देखो डांट रही है, इसको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मैं इसको प्यार कर रही हूँ, हाँ मैं नहीं कर रही हूँ, देख इसे देख इसे देख, डांट
मेरी बेटी निंजी, मेरी निंजी बेटी है, निंजी निंजी है मेरी बेटी। नहीं है ना, तेरे लट्टू खा जाएगी या समोसे भी खा जाएगी, देख ले लैला, डांट दे मम्मा को, डांट, डांटो मम्मी को। दोस्तों ये आपको मैं बताऊं, मेरा वैसे तो डेट ऑफ बर्थ जो है 28 अक्टूबर है, लेकिन मैं छोटी दीपावली को पैदा हुई थी और मेरी लैला ने उसी दिन बोलना शुरू किया है। अब ये देखो अपनी दीदी के साथ मस्ती मारे, अब हमारी नहीं सुनेगी। बाय, टेक केयर ऑल, लव यू ऑल। और वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक बने रहें, और कमेंट्स बॉक्स में आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर लिख के भेजिएगा।